आज का मेरा YouTube थंबनेल देख करके आपको लोगों को लगा होगा कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और आज मैं पेरेंटिंग टिप्स देने की बात कैसे करने लगी। तो मैं आपको बताती हूँ, 1996 में जब से मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बनी हूँ, 97 में मैंने शादी करी, 99 में मैं पहली बार माँ बनी, तो इस जर्नी में मैं इंटीरियर डिज़ाइनर तो सबसे पहले बनी हूँ। उसके 2 साल बाद से मेरी मदरहुड की जर्नी का भी एक्सपीरियंस है। आज इस एपिसोड में एक इंटीरियर डिज़ाइनर और एक मदर इंटीरियर डिज़ाइनर दोनों के कुछ अनुभव कुछ टिप्स के रूप में आप लोगों के सामने पेश करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहेंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, मैं हूँ मीता रैना। अपने चैनल स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि अपने इस 26 साल के इंटीरियर डिज़ाइनर की जर्नी में और 24 साल के मदरहुड की जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं परफेक्ट मदर तो नहीं कह सकती अपने आप को, लेकिन मेरी ये कोशिश हमेशा रही है कि मैं इम्प्रूव करती रहूं अपने आप को, और मेरे बच्चों को भी इस बात पे हमेशा बड़ा गर्व होता है कि उनकी माँ एक वर्किंग मदर है, क्रिएटिव फील्ड से है, और हमने इस जर्नी में एक दूसरे के साथ में बहुत कुछ सीखा है। आज जो इस एपिसोड में मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ, पेरेंटिंग टिप्स थ्रू इंटीरियर, हम बच्चे के इंटीरियर के द्वारा किस तरह से कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जहाँ हम उनको हेल्प कर सकते हैं एक अच्छे पर्सनालिटी के रूप में बड़े होने के लिए। जब हम बच्चे की एक जर्नी देखते हैं, काफ़ी लंबा और ऑलमोस्ट 24 ईयर का जर्नी तो उनका स्टडीज़ में जाता है। एक नर्सरी क्लास या प्री स्कूलिंग से स्टार्ट हुआ जर्नी, मास्टर्स और पता नहीं आगे पीएचडी और कहाँ तक वो पढ़ाई करते हैं। इतनी लंबी जर्नी में और पढ़ाई के बाद में भी जब वो अपना काम शुरू करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, कहीं पर अपना बिजनेस करते हैं, कोई चीज़ जो उनको हेल्प करती है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइज होना। और ये बिहेवियर हम जितना जल्दी बच्चे के अंदर डेवलप कर सकते हैं थ्रू इंटीरियर्स, वो उतना ही फ़ायदेमंद होता है। कहते हैं कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी आदतें बहुत मुश्किल से जाती हैं, तो क्यों ना कुछ अच्छी आदतें हम अपने बच्चे में ये डाल दें बचपन से ही, जो भविष्य में भी उनको हमेशा हेल्प करें ऑर्गेनाइज होने में। जब आप इंटीरियर करवाते हैं अपने बच्चे का, अपने बच्चे के लिए उसका रूम डिज़ाइन करवाते हैं थ्रू सम एजेंसीज, तो हम स्टोरेज डिज़ाइन करते हैं। इस स्टोरेज स्पेस में बच्चा छोटा होगा, बाद में जाके बड़ा होगा, मगर उसके पास अलग अलग तरह के सामान हमेशा होती हैं। स्टेशनरी आइटम्स होते हैं, क्राफ्ट का सामान होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टॉयज़ होते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं वो जो सीख रहे हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए जब एक आप प्रॉपर स्पेस, ड्रॉर्स या स्टोरेज स्पेस क्रिएट करते हैं, तो और बचपन से ही बच्चे को इनकरेज करते हैं कि वो अपना सामान जिस जगह पे उठाया है वहीं पर रखे। इस ड्रॉर में आप स्टेशनरी का रखिए, यहाँ पर आपके कपड़े रहेंगे, यहाँ पर आपके शूज़ रहेंगे, ये आपके टॉयज़ या आपके खेलने का सामान है। इस तरह की चीज़ों को जब आप ऑर्गेनाइज करने की हैबिट बचपन से डालेंगे, तो वो बड़े होकर के भी उनके साथ रहेगी। चाहे वो कहीं पे भी काम करें, वो अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखेंगे, जगह पे रखेंगे, और उनको ढूंढने में जो समय ख़राब होता है, जो स्ट्रेस होता है, उन सब से बचेंगे और डेफिनेटली आपको थैंक यू बोलेंगे। ये ऑर्गेनाइज होना फर्स्ट पेरेंटिंग टिप थ्रू इंटीरियर्स। देन सेकेंड टिप, जब आप अपने बच्चे के कमरे को डिज़ाइन करवाएंगे और आप ये चाहेंगे कि जो बच्चे हैं वो खुश बच्चे हों, एनर्जेटिक बच्चे हों, पॉजिटिव बच्चे हों, सुस्त बच्चे, उदास बच्चे, निराश बच्चे, चुप रहने वाले बच्चे, बिना किसी प्रेशर के आप अपने बच्चों के अंदर कुछ बिहेवियर चेंजेस भी कर सकते हैं। उनके आसपास का एनवायरनमेंट, उनका रूम इस तरह का डिज़ाइन कीजिए जहाँ पर बच्चा पॉजिटिव फील करे। और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं कलर्स, पॉजिटिव एनर्जी लाने वाले कलर्स को, ब्राइट कलर्स को उन बच्चों के कमरे में लेकर के आइए।
फिक्स फर्नीचर में आप अगर कलर अवॉइड करें, मेरा भी सजेशन है कार्टून्स बनाना, ये छोटे बच्चों के लिए तो अच्छा लगता है लेकिन बड़े होने के बाद या तो आपको उन्हें चेंज करना पड़ सकता है, तो उसकी जगह आप इन कलर्स को कर्टन्स में लेकर आ सकते हैं, बेडशीट में ला सकते हैं, पिलोज़ में ला सकते हैं, आर्ट के थ्रू ला सकते हैं, एसेसरीज़ के थ्रू ला सकते हैं। इन सारी चीज़ों के थ्रू आप कमरे के अंदर बच्चे के साथ में इन जब पॉजिटिव कलर्स को ले करके आएंगे तो डेफिनेटली आप फील करेंगे कि वो काफ़ी एनर्जेटिक हैं, उद्यमी नहीं नटखट, और उनकी खिलखिलाहट से वो आपका घर जो है खुशियों से भरा हुआ रहेगा। इसके साथ दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक येलो और दूसरा पर्पल, ये दोनों कलर्स ऐसे हैं जिसको आप बहुत सावधानी के साथ यूज़ करेंगे और इन कलर्स के साथ में डेफिनेटली इनके दूसरे कंट्रास्ट कलर्स को आपको लेकर के आना ही है। हर रंग कुछ कहता है इस सीरीज़ में, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि येलो और पर्पल, इन दोनों की टेंडेंसी अलग अलग तरह से बच्चों के ऊपर या ह्यूमंस पे असर करती है, तो प्लीज़ इन दोनों कलर्स को पर्टिकुलरली बच्चों के रूम में यूज़ करते समय बहुत सावधानी से यूज़ कीजिए। तीसरी चीज़, जब हम ये चाहेंगे कि बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट्स डेवलप हों, हम ये भी चाहेंगे कि बच्चे खुश रहें और पॉजिटिव रहें, उन बच्चों के लिए एक चीज़ करनी और बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूरी है कि जब भी आप उनका कमरा डिज़ाइन कर रहे हैं, इंटीरियर के लिए बात कर रहे हैं, उस कमरे में कोई ना कोई ऐसी जगह हो जो उनका मी स्पेस हो, जहाँ पर वो अपना मी टाइम गुजार सके। अगर कमरा छोटा है और आप फ्लोर में स्पेस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं तो आप वर्टिकली उनको पिन बोर्ड, टैग बोर्ड या इस तरह का चीज़ दीजिए, जहाँ पर वो अपने मन की चीज़ों को बना पाए, लगा पाए, उसको डेकोरेट खुद करे। इसके लिए आपको कुछ स्पेस उनको देना ही है और उस स्पेस पे डेफिनेटली हम लोगों को बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करनी कि ये तुम यहाँ पर ऐसे क्यों लगा रहे हो या ऐसे मत करो। प्लीज़ वो स्पेस उनका है, वहाँ पर बस एक ही चीज़ आप करिए, उसको गैजेट फ्री रखिए, वहाँ पर लैपटॉप मोबाइल नहीं, उसकी जगह किताबें हों, कलर्स हों, चाहे वो रीडिंग करें, चाहे वो राइटिंग करें, चाहे वहाँ पर वो अपना किसी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को बजाएं, चाहे वो पेंटिंग करें, वो कुछ भी करें, उनके मन की कुछ ऐसी चीज़ें हों जहाँ पर वो उस मी स्पेस पे अपना टाइम बिताएं। इस जगह पर इस तरह से बिताए हुए समय की हैबिट आगे चलकर भी उनके अंदर हमेशा, कभी वो ऐसी परिस्थिति में आते हैं, कभी वो कोई स्ट्रगल या स्ट्रेस फेस करते हैं, डेफिनेटली ऐसी जगह ऐसा टाइम हेल्प करता है फोकस होने में, चीज़ों को क्लियर करने में, तो ये हैबिट भी आप बच्चों के अंदर बचपन से ही डाल सकते हैं। बच्चों के अंदर एज अ पेरेंट हमारे लिए आज के समय में काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, इंटरनेट, मोबाइल, ये सारी चीज़ें हैं, और अधिकतर समय हम ये महसूस करते हैं कि बच्चा उन जगहों पर मोबाइल पे ज़्यादा समय देता है या लैपटॉप पे ज़्यादा समय देता है। मेरा ये मानना है कि शुरू से ही अगर आपने अपने बच्चे के रूम में कोई एक ऐसी जगह क्रिएट करिए जहाँ पर कम्युनिकेशन हो सके, जहाँ पर बातचीत हो सके, हम बच्चे को सोने के लिए बेड देते हैं, पढ़ने के लिए स्टडी टेबल देते हैं, स्टोरेज के लिए वार्डरोब, और स्टडी एरिया में स्टोरेज के लिए अलग से स्टोरेज स्पेस देते हैं, वहाँ पर ये जो पेरेंटिंग टिप का मेरा आज फोर्थ टिप है वो ये है, कम्युनिकेशन के लिए एक सबसे मस्ट स्पेस निकलना ही चाहिए, जहाँ पर आप अपने बच्चे के साथ में बैठकर कॉफ़ी पिएं, उनकी पसंद का ड्रिंक पिएं, बात करें उनके साथ में, और उनके साथ में उनके दिन भर की गतिविधि को जानें, समझें, किसी भी टॉपिक पर बात करें, अपने दिन भर के काम के बारे में बात करें, अपने स्ट्रगल या अपने स्ट्रेस को अपने बच्चों के साथ में शेयर करें। ऐसे मत समझिएगा कि वो छोटे बच्चे हैं या आप उनको अलग रखना चाहते हैं। मैं डेफिनेटली ये अपने एक्सपीरियंस से कहूँगी, अगर आप अपने बच्चों के साथ में, चाहे वो कितने भी छोटे हों, अपने प्रॉब्लम्स को थोड़ा बहुत शेयर करते हैं, वो डेफिनेटली ना केवल आपकी बात समझेंगे, आपको हेल्प भी करेंगे
उस प्रॉब्लम के साथ में निकलने के लिए। कम्युनिकेशन एक ऐसी एक ऐसा माध्यम है, चाहे बच्चा मोबाइल पे रहेगा, चाहे लैपटॉप पे हो, चाहे वो आपके साथ रहता है, चाहे वो आपसे दूर किसी देश में रहता हो, लेकिन कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में है तो डेफिनेटली वो आपके साथ में है और आप उसके साथ में हैं। कभी भी आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ हर प्रॉब्लम पे खड़े रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि पेरेंटिंग टिप्स और इंटीरियर डिज़ाइन के इस एपिसोड को आप अपने दोस्तों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे और मुझे इनकरेज करेंगे। स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर के साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।